नहीं पता। चलिए तो लास्ट टाइम जो इक्वेशन पढ़ी थी अपन लोगों ने, बस उसको देख रहे हैं अपन लोग थोड़ा सा और। कहता भैया नेवला स्क्वायर साई प्लस, बोलो कहता एट आई आई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एम एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस बी इंटू साई इक्वल्स टू जीरो। अरे बोलो हाय ना। यस सर। अब यदि इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको तो हमेशा इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं आपको, दैट इज ई साई इक्वल्स टू एच साई। यदि आपने इस फॉर्म में लिख दिया तो तो सॉल्यूशन इसका हेडिंग क्या निकल लिखूं सर? जाएगा, ई साई इक्वल्स टू क्या होगा एच साई। उसके बाद कंटिन्यू कंटिन्यू करें क्या? सर, वो एच कंटिन्यू कैप कर है, दूं कि एच हेडिंग? ए एच है, कैप, क्या एच है कैप, वो? एच कैप। सर सर वो इक्वेशन के बाद कंटिन्यू करना है। हाँ जी चलो आगे बढ़े क्या? सर तो आप बोल रहे थे सॉल्यूशन ऑफ वो काट नहीं क्या? क्या कह रहा? पता करा लो नोट। चलो एक काम करें बच्चे, अपन लोग यहाँ पे इसको और सिंपलीफाई वे में मैं लिख रहा हूं। यदि मैं इसको लिखता हूं इट इज ई, नेक्स्ट मैंने बोला साई माइनस बी शाई इक्वल्स टू, तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग इस टर्म को मैं उस साइड लेके जा रहा हूं, इट इज माइनस नेवला का स्क्वायर और ये उस साइड आया, इट बिकम्स क्या होगा एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर इनटू एम। बोलो हाँ या ना? यस सर, आपने वहां पर वीई लिख हाँ जी सॉरी वी नहीं, इट इज बी साइड, दिया। इट इज बी साइड। अब इसको लिख रहा हूं, एक काम करता हूं मैं, इट इज ई साइड इक्वल्स टू क्या होगा बी उस साइड पहुंच जाएगा, इट इज बी माइनस एच स्क्वायर एट पाई स्क्वायर इंटू एम और यहां पर आएगा नेवला स्क्वायर और यहां पर आएगा साई एंड दैट इज, इसको मान लिया आप लोगों ने क्या, इट इज एच क्या, दैट इज नोन एज व्हाट, ऑपरेटर। इसको बोल दिया अपन लोगों ने हैमिल्टन ऑपरेटर। सर एक साइज ज्यादा नहीं हो गया क्या सर? हाँ सर वही बोल रहा था कि आपने कॉमन ऑपरेटर निकाला है बट ऊपर वाली इक्वेशन में साय है ही नहीं। ये है ना। चलिए आगे बढ़े क्या? अरे बोलो आगे बढ़े क्या? सर एच कैप क्या है? सर हैमिल्टोनियन। तो एच कैप क्या है, इट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है आपका। इसका मतलब क्या होगा, इट इज वी माइनस एच स्क्वायर इंटू नेवला स्क्वायर डिवाइड बाय एट पाई स्क्वायर इंटू एम। अरे बोलो आए ना। एच कैप इक्वल्स टू क्या होगा, इट इज वी माइनस एच स्क्वायर नेवला स्क्वायर डिवाइड बाय एट पाई स्क्वायर इंटू एम। सो बाय दिस हम कह सकते हैं कि एच कैप इज डिपेंड्स ऑन क्या है, ये बोलो, बी स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी। बोलो यस यस तो बेसिकली बात करें अपन लोग इस फॉर्म में लेके आके इसको सॉल्व कर दें, तो बस लिख लो आप लोग ठीक है ना। आपको बस मुझे हैमिल्टन ऑपरेटर बताना था, ये किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है, कभी बहुत ज्यादा हुआ तो पूछ सकते हैं आपसे ठीक है ना। यस यार बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर लिखा हुआ है, इट इज ई साइन इक्वल्स टू एच कैप साइन। यदि इसको हम लोग सॉल्व करें
ऑन सॉल्विंग हमें मिलेगा साई, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज व्हाट, वेव फंक्शन। अरे बोलो है ना, क्या मिलेगा, वेव फंक्शन। या फिर बात करें बोल लो, एक और नाम बोला था एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, विच हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, बिकॉज बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग जो वेव रहती है, यदि वेव की अकॉर्डिंग बात करें अपन लोग यहाँ पर, तो वेव यहां तक तो क्या हो गया आपका, जीरो से स्टार्ट हुआ और कुछ वैल्यू तक गया और फिर से जीरो पर आ गया। लेकिन बात करें जब नेगेटिव आएगा तो ये क्या होगा, इसका फिजिकल सिग्नल क्या होगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा कोई भी वैल्यू को लागू करेंगे, क्या करेंगे, जीरो या फिर जीरो से ज्यादा, दैट्स पॉजिटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या होगा, इट इज नॉट एप्लीकेबल, दैट्स व्हाई अपन लोगों ने लिख दिया इट इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर नेगेटिव वेव का होगा क्या, तो यदि बात करें बच्चे अपन लोग सेम वैल्यू को यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं और स्क्वायरिंग, हमें मिलेगा साइन स्क्वायर, इसका क्या होगा आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। अब साई स्क्वायर में देखे बच्चे अपन लोग यहां पर दो पॉसिबिलिटी होंगी, एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, यदि साई का वैल्यू कितना आ जाए आपका, इट इज वन, साई का वैल्यू कितना आ जाए, वन आ जाए, और दूसरा होगा साई का वैल्यू कितना आ जाए, इट इज जीरो, साई स्क्वायर वन या साई स्क्वायर कितना होगा, जीरो। अरे बोलो हाँ ना, तो बात करें बच्चे अपन लोग यदि स्क्वायर कर दिया, यदि वो माइनस वन भी होगा, इट बिकम्स क्या होगा, स्क्वायर में कितना होगा, प्लस वन। यस सर। तो इसके बेसिस पे देखे, यदि मैंने बोला कि साई का वैल्यू यदि आपका वन आ गया, इट मींस हमें क्या मिला, हमें मिला ऑर्बिटल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिला। या फिर इसको बोलते हैं अपन लोग इट इज एंटी नोड। नेक्स्ट मैंने बोला कि साई मतलब कितना होगा, जीरो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बेसिकली। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर चेक किया क्या इलेक्ट्रॉन है, और यदि वैल्यू जीरो आया एंड दैट देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, मतलब दैट इज नॉन, क्या बोले इसको बोलो, इट इज नोडल। अब नोड में भी देखे बच्चे अपन लोग दो पॉसिबिलिटी होती है, एक तो होता है आपका रेडियल नोड, एक तो होगा आपका रेडियल नोड, और दूसरा होगा आपका एंगुलर नोड। तो ये क्या हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडियल नोड कैलकुलेट करना, एंगुलर नोड कैलकुलेट करना। लिख लीजिए रेडियल नोड, या फिर इसको स्फेरिकल नोड ही बोलते हैं, रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड, लिख लो, समझते हैं इनको क्या है क्या नहीं है।